Good morning students. So in our previous video we have discussed about nutrition. What is nutrition? Nutrition is the intake and utilization of food. ठीक है, फूड हम ले रहे हैं उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर रहे हैं एनर्जी के लिए, वो हो गया हमारा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल हैं, जिनके लिए हम जो है वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स. तो आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, इसमें हम सिंपल के बारे में भी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली हम जो भी बायो में जो भी कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर चलेंगे कि क्या क्या एडवांसमेंट जो है वो हुई. तो आज हम न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, इन दो टॉपिक्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा जो है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है कि चाहे कोई यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, सभी में जो है वो सारी प्रोसेसेस होंगी ही होंगी, चाहे वो न्यूट्रिशन है चाहे वो रेस्पिरेशन है. ओके, तो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो जो अमीबा है वो उसमें कैसे न्यूट्रिशन, तो हमने पहले देखा है कि न्यूट्रिशन की जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने देखा था कि जो अमीबा और जो ह्यूमंस है उसमें क्या है, एक ही तरह की न्यूट्रिशन प्रेजेंट है. जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक हिटरोट्रॉफिक, ये वो डिपेंड किसी और पे है, लेकिन जो न्यूट्रिशन का जो मैकेनिज्म है, जो डाइजेशन का मैकेनिज्म चलेगा, वो चलेगा बॉडी के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, वो आएंगे हमारे न्यूट्रिशन इन अमीबा. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है वो प्रोसेसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व्ड. तो इसमें प्रोसेसेस पहली है हमारी इंजेशन, पहले होगी हमारी इंजेशन. इंजेशन मीन्स इसमें हम क्या लेंगे, फूड को अंदर लेंगे. दूसरी है हमारी डाइजेशन, डाइजेशन में हम क्या करेंगे, सॉरी जो अमीबा है वो क्या करेगा, जो फूड उसने लिया है वो उसको अपने जो बॉडी है उसमें डाइजेस्ट करेगा. थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन. ओके, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी और असिमिलेशन होगी, मतलब जो फूड है वो पूरी बॉडी में जो है वो सर्क्यूलेट करेगा. एंड लास्ट वन इज इजेशन, इजेशन मीन्स बाहर निकालना. इन एक्स, इन जो है वो अंदर, एक्स या ई मीन्स ई फॉर एग्जिट, तो एग्जिट जो है वो बाहर निकालना. तो ये जो प्रोसेसेस है जो इन्वॉल्व है अमीबा की न्यूट्रिशन में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम्स की हेल्प से जो है वो अमीबा की डाइजेशन को पढ़ेंगे. पहले क्या होगा, अब अमीबा का स्ट्रक्चर, ये है अमीबा का स्ट्रक्चर. तो ये एक सेल है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो सभी सेल में प्रेजेंट होगा, तो अमीबा के सेल में भी जो है वो प्रेजेंट है. सेकंड थिंग, इसमें प्रेजेंट है सेंटर में न्यूक्लियस. ठीक है, दिस इज साइटोप्लाज्मा, दिस इज न्यूक्लियस. इसके साथ और एक चीज इसमें प्रेजेंट होगी, विच इज कॉल्ड लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स क्या करेंगे, लाइसोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन में, क्योंकि ये इसमें जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है. रिमेम्बर रखेंगे, जो लाइसोसोम्स है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जो क्या करेंगे, जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे. ओके, तो ये है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ हमारा जो फूड है वो आ गया, जो इस अमीबा ने खाना है वो फूड यहाँ पे आ गया. तो जो सेकेंड आइटम आएगी उसमें क्या करेगा, ये जो अमीबा है ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये बनाना स्टार्ट कर देगा, ताकि वो फूड को क्या कर सके, कवर कर सके. यहाँ आ गया हमारा फूड, और इसने क्या किया, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है अपनी बॉडी को इस तरह से इसने अडॉप्ट कर लिया कि वो अपने फूड को जो है वो कवर कर सके. इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया. ठीक है, स्यूडोपोडिया कप लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर की तरह स्ट्रक्चर है, जो क्या करेंगे, कप की तरह जो है वो स्ट्रक्चर बना देंगे और फूड को जो है वो अंदर ले लेंगे. नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये जो कप है वो कम्प्लीटली जो है वो हमारे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी ये कम्प्लीटली जो हमारा फूड है उसको बंद कर लेंगे. ठीक है, दिस आर स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया क्यों कह रहे हैं, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स लैक ऑफ फील्ड, मतलब फॉल्स फील्ड. दे आर नॉट देयर रियल फील्ड, दे आर देयर फॉल्स फील्ड. फोर्स फील्ड है जो फूड को कैप्चर करने में जो है वो हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, आप जो यहाँ से जो वॉल्स है,
ये बंद हो गया यहाँ से और जो फूड है वो अंदर आ गया। तो जब फूड अंदर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये फूड है हमारा, ठीक है, तो जब फूड अंदर आ जाएगा तो अमीबा क्या करेगा कि अपने अराउंड जो है वो एक वॉल बना लेगा, जिसको हम कहेंगे वैक्यूल। इसको हम क्या कहेंगे? वैक्यूल, फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल ये आ गया हमारा फूड वैक्यूल एफवी, और ये आ गया हमारा फूड, ठीक है, बीच में फूड है, बाहर फूड वैक्यूल है। तो इन दोनों को फूड वैक्यूल प्लस फूड, इसको हम कहेंगे फैगोसोम। फैगोसोम, व्हाट इज फैगोसोम? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड वैक्यूल प्लस फूड। हमारा फूड वैक्यूल जो इसने फूड के बाहर कवरिंग बनाई है वो होगी हमारे फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है हमारा फूड। उन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह रहे हैं उसको? फैगोसोम, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि इसमें क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड थर्ड वन इज लाइसोसोम भी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या करेगा? अब हमने पहले ही मैंने बताया कि लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। तो जो वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये आ गया हमारा फैगोसोम। फैगोसोम दैट इज फूड वैक्यूल प्लस फूड। तो इसमें जो लाइसोसोम है वो अपने एंजाइम को जो है इसमें डाल देगा, समझिए। पहले हमारे पास था फैगोसोम, उसके बाद हमने क्या किया कि जो लाइसोसोम के पास जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे वो भी इसने इसके साथ जो है वो कंबाइन कर दिए। तो अब हमारे पास क्या बना? फूड वैक्यूल प्लस फूड प्लस जो हमारे लाइसोसोम के एंजाइम थे, तो ये अब हमारे पास बन गया फैगो लाइसोसोम। पहले था हमारे पास फैगोसोम दैट इज फूड वैक्यूल प्लस फूड। अब जो फूड हमारा जो फैगोसोम था उसके साथ जो है वो हमारे लाइसोसोम के एंजाइम भी कंबाइन कर दिए, तो उसको हम कह रहे हैं फैगोलाइसोसोम, ठीक है। अब फैगोलाइसोसोम में क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये फूड को चर्म करेंगे, मतलब उसको तोड़ेंगे, उसको पीसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर हमारे पास जो डाइजेस्टेड फूड है वो आ जाएगा। डाइजेस्टेड फूड मतलब वो पूरी तरह से उसकी चर्मिंग हो गई है। फिर उसके बाद अब हमारे पास इंजेक्शन हो गया, यहाँ पे हमारा इंजेक्शन हो गया कि फूड अंदर आ गया। यहाँ भी हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो गई क्योंकि चर्निंग हो गई, फूड डाइजेस्ट हो गया। अब थर्ड जो प्रोसेस है मैंने बताई थी वो थी एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो इसमें क्या करेगा? जो हमारी अमीबा की जो वॉल्स हैं, ठीक है, वो वॉल्स क्या करेंगी? जो हमारा डाइजेस्टिव फूड हमारे पास आया है उससे फूड को जो है वो ले लेंगे। जैसे मान लो कि ये वॉल्स है, ये हमारा डाइजेस्टिव फूड है, तो वॉल्स जो है वो सारे खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। वॉल्स ने खाना ले लिया तो वो होगी एब्जॉर्प्शन, खाना ले लिया, उसके बाद उसको पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करेगा, और उस सर्कुलेशन को हम कहेंगे एसिमिलेशन। अब पूरी बॉडी में फूड पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि कुछ पार्ट जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, तो फिर से वॉल डिजॉल्व होगी, यहां से क्या होगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और उसको कहेंगे हम इजेशन, ओके। तो इसी तरह से हमारी जो अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होती है। पहले क्या होगा? फूड जो है वो अमीबा के मुंह के पास आएगा, वो कपलाई स्ट्रक्चर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो प्रोट्रूड आउट होंगी उनको हम कहेंगे स्यूडोपोडिया, फिर चार फॉल्स फीट। फॉल्स फीट फिर क्या करेगा? वॉल डिजॉल्व होगी, जो फूड है वो अंदर आ जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इजेक्शन। इजेक्शन के बाद क्या होगा? जब वो फूड अमीबा के बॉडी के अंदर आ गया तब क्या हुआ कि उसने अपने आराम जो है वो लेयर बना ली, जिसको हम कह रहे हैं फूड वैक्यूल। अंदर फूड है, बाहर फूड वैक्यूल है, उसको हम कंबाइन कह रहे हैं फैगोसोम। फैगोसोम जब अमीबा के अंदर आ गया तो लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो लाइसोसोम जो है वो अपने जो एंजाइम्स है वो किसको दे देगा? फिर जो फैगोसोम को है। अब तीनों कंबाइन करके फूड वैक्यूल, फूड प्लस लाइसोसोम, उसको हम कहेंगे फैगोलाइसोसोम। फिर जो डाइजेस्टेड जो हमारे पास फूड है वो अमीबा की जो वॉल्स है एब्जॉर्ब कर लेंगी, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। फिर वो सारी बॉडी में जो है वो एसिमिलेट कर जाएंगी, सर्कुलेट कर जाएंगी, जिसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा की बॉडी से जो है वो बाहर चला जाएगा, जिसको हम कहेंगे इजेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप आपको जो अमीबा की जो डाइजेशन है वो क्लियर होगी। उसके बाद हमारा आता है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमंस की जो डाइजेशन है वो बहुत
क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, कैसे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। अगर प्लस में आप बायो ले रहे हो तो आपके लिए बहुत ही जो है वो बेनिफिशियल। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनिए। तो पहले आता है कि जो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स है वो कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो डाइजेशन है ह्यूमन बीइंग्स में, अब आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है दैट आर दीज आर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स वो हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं। ठीक है, वो प्लांट्स भी खा रहे हैं, साथ में वो एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ये यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम। तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, सेवंथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से लेके एनस तक जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है मेनली जो है वो 9 मीटर लॉन्ग, मतलब हम एक एवरेज लेके चलते हैं। वैसे कुछ एलिमेंट्री कैनाल का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उसकी, कोई लंबा आदमी है तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो 11-12 भी हो सकती है, 11-12 मीटर। छोटा होगा तो उसकी कम भी हो सकती है, लेकिन जो एक एवरेज साइज है दैट इज 9 मीटर्स लॉन्ग। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी मस्क्यूलर वॉल्स होती है, मस्क्यूलर वॉल्स है जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है फूड को पुश करने के लिए, और उस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस। अब देखिए आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, माउथ से आप लोग खाना खा रहे हैं, फिर जब यहाँ पे जब आप फूड को अंदर निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं तो क्या होता है, आपको एक फोर्स जो है वो लगाना पड़ता है ताकि जो फूड है वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाए। जैसे कुछ खा रहे हैं आप, अंदर उसको निगल रहे हैं, ठीक है, तो एक फोर्स लगता है और उस प्रोसेस, उस फोर्स को, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। इट इज अ रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन हो रही है दैट इज पेरिस्टाल्सिस, जो फूड को फॉरवर्ड करने में, आगे ले जाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, मैंने पहले बताया जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ टू एनस तक जो है वो एक्सटेंड करती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है दैट इज माउथ। माउथ, अब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे खा रहे हैं हम खाना, जो फर्स्ट स्टेप आएगा डाइजेशन में वो है हमारा माउथ। माउथ से हम क्या करेंगे, इजेशन करेंगे, हम खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, बाकी प्रोसेसेस तो उसके बाद में चलेंगी कि कौन कौन से एंजाइम एक्ट करेंगे या कैसे जो है वो फर्दर प्रोसेस चलेगी, लेकिन वो तभी चलेगी अगर फूड जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो माउथ जो है इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल है तो इसकी जो ओपनिंग है इट इज माउथ। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये फूड को अंदर ले जाने में हेल्प करेगा। इसको जो मेन फंक्शन है वो यही है कि इट गिव्स पैसेज फॉर द इंजेशन। इंजेशन ये फूड को अंदर ले जाने में जो है वो हेल्प करेगा। इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट हेल्प्स इन द इंजेशन ऑफ द फूड। ओके, एंड इट इज गार्डेड बाय टू लिप्स। ठीक है, दो लिप्स प्रेजेंट है इसके, मतलब जो माउथ है वो लिप्स के अंदर प्रेजेंट है, तो माउथ इज गार्डेड बाय टू लिप्स एंड विच इज प्रेजेंट इन बकल कैविटी। ओके, माउथ को जो है वो बकल कैविटी का, मुंह खोलिए आप अपना तो वो इस तरह की कैविटी बनाएगा, एंड द कैविटी विच इज फॉर्म बाय माउथ इज कॉल्ड बकल कैविटी। ओके, और जो हमारी बकल कैविटी है फिर वो एंड पे जो जहां पे वो खत्म होती है इट इज एंड इन फैरिंग्स। ये हमारा माउथ है, ये हमारी आ गई बक्कल कैविटी, और यहाँ पे जहाँ हमारी बक्कल कैविटी है हमारा माउथ का एंड हो रहा है वो है हमारा फैरिंग्स। और बक्कल कैविटी प्लस फैरिंग्स इसको हम कहते हैं बक्को फेरेंजियल कैविटी। बक्को फेरेंजियल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग रीजन इज कॉल्ड बक्को फेरेंजियल कैविटी। तो माउथ में हमने पढ़ा कि माउथ जो है वो ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, इंजेक्शन में ये हेल्प करती है, इट इज गार्डेड बाय टू लिप्स, और एंड रीजन जो है माउथ का वो है फैरिंग्स। तो मेनली जो माउथ का जो फंक्शन है वो यही है कि ये इंजेक्शन में हेल्प कर रहा है, फूड को अंदर ले जाने में हेल्प कर रहा है। सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है बक्कल कैविटी। माउथ हो गया, इंजेक्शन हो गई, इंजेक्शन हो गई मतलब हमने लिप खोल के जो खाना है वो अंदर ले लिया, फिर वो
खाना जो है वो वहां एंटर कर गया हमारी बक्कल कैविटी में, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में क्या होगा, जो ओरल कैविटी है हमारी इट इज बाउंडेड बाय पैलेट। पैलेट मतलब अब हमारी जो टंग है उसको अगर आप ऊपर टच करें, ठीक है, जो ऊपर वाली रूफ है उसमें टच करें, तो आप क्या देखेंगे कि कुछ हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं पैलेट, हार्ड पैलेट। और अगर आप अपने टंग को पीछे लगाएंगे तो वहां है सॉफ्ट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। ओके, तो इसमें क्या है, जो पैलेट है वो क्या करता है, जो अब पैलेट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो नीचे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऊपर नोज है हमारा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो पैलेट का मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो सेपरेट करता है। तो बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, पैलेट प्रेजेंट है। और बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, हमारे टीथ, टीथ प्रेजेंट है जो खाने को चबाने में हेल्प करेंगे, विच हेल्प इन च्यूइंग द फूड। ओके, और एक और चीज इसमें प्रेजेंट है, स्लाइवा। स्लाइवा जो है वो लागी है हमारे माउथ में, हमारी बक्कल कैविटी में। तो स्लाइवा है और दिन में जो है वो 1 to 1.5 लीटर जो है वो माउथ से निकल रहा है स्लाइवा, ठीक है। तो स्लाइवा जो है वो एक एंजाइम स्क्रीट करता है स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवा जो है वो कौन सेक्रीट कर रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सेक्रीट हो रहा है, जो एंजाइम सेक्रीट करता है स्लाइवरी अमाइलेज। और एक क्वेश्चन है कि जो स्लाइवरी अमाइलेज है उसका दूसरा नाम है टाइलिन, ठीक है। इसमें पी जो है वो साइलेंट है, टाइलिन स्लाइवरी अमाइलेज। जो स्लाइवरी अमाइलेज है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। जैसे स्टार्च अगर ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, तो स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज अमान की जगह की जो स्टार्च है इसमें ग्लूकोज 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 100 ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट है, मान लीजिए एन नंबर ऑफ। तो इसमें क्या करेगा, ये इसको तोड़ देगा ग्लूकोज ग्लूकोज में, मतलब दो ही पार्ट नहीं है हमने, तो वो हो गया माल्टोज। माल्टोज जो है वो स्टार्च की स्मॉलर यूनिट है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा स्लाइवरी अमाइलेज है या जो हमारा टाइलिन है वो एक्ट करेगा और स्टार्च को जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बक्कल कैविटी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज विच इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन दैट एक्ट्स अपॉन द फूड और स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इंटू स्मॉलर यूनिट विच इज कॉल्ड माल्टोज। ओके, तो ये थी हमारी बक्कल कैविटी। अब जो बक्कल कैविटी है हमारी वो एक अदर जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसमें एंटर करेगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारा माउथ, ठीक है। माउथ में क्या हुआ, इंजेक्शन हो गई, लास्ट में फेरिंग्स आया, फिर फूड एंटर किया हमारी बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या हुई, पार्शियल थोड़ी बहुत डाइजेशन हो गई, जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था उसमें जो स्लाइवरी अमाइलेज विच इज कॉल्ड टाइलिन, टाइलिन एक्ट किया, उसको स्मॉलर फॉर्म में जो है वो क्या कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद जो फूड हमारा एंटर किया इट इज एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग ट्यूब, इस ट्यूब में एंटर कर गया वो क्या है, इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस का मेरा कोई भी काम नहीं, ये जस्ट क्या करेगा कि इस फूड पाइप से जो है वो फूड को कहां लेके जाएगा, इन अ जे शेप, जे शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्टमक। स्टमक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन का। तो उसको फेगस का क्या काम बताया, वो जो फूड को पुश करेगा उसको लेके जाएगा इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज कॉल्ड स्टमक, ठीक है। तो हम स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक पहले मैंने बता दिया, स्टमक जो है वो जे शेप पाउच है, एक थैले की तरह स्ट्रक्चर है। अब पहले मान लो कि ये थैले की तरह जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, ठीक है, इतना भरा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही फूड एंटर करेगा वो क्या कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज में। तो इससे क्या पता लग रहा है कि इसकी जो वॉल्स है वो इलास्टिक है, फूड कितना भी एंटर करेगा वो वैसे ही इलास्टिक होता जाएगा, भरता जाएगा, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं जे शेप्ड पाउच है, ठीक है। इसकी बहुत इलास्टिक वॉल्स है जो किसमें करेंगी, फूड को ब्रेक डाउन करने में जो है वो हेल्प करेंगी। ओके, तो जो स्टमक है, जो हमारा स्टमक रीजन है वो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक एंजाइम जो है वो सेक्रीट करता है, इट सेक्रीट्स गैस्ट्रिक एंजाइम या गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस में हमारे आते हैं जैसे HCl, म्यूकस और हमारे गैस्ट्रिक
एंजाइम्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक रीजन है उसमें गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है, जो मेनली क्या है एचसीएल हमारा म्यूकस, और लास्ट वन इज गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स के बारे में। तो जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है वो तीन तरह के हैं, पेप्सिन पेप्सिन रेनिन। जो गैस्ट्रिक एंजाइम है हमारे वो तीन तरह के हैं, पेप्सिन रेनिन एंड लाइपेज, ठीक है। तीन तरह के जो एंजाइम है वो सेक्रेट होते हैं, पेप्सिन रेनिन और लाइपेज। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है। पहले हमने पढ़ा जो पतल कैविटी थी हमारी, वहां पे हमारी हुई कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। जो हमारा पेप्सिन है उसमें होगी हमारी प्रोटीन की ब्रेक डाउन, प्रोटीन की ब्रेक डाउन। जो रेनिन है उसमें भी प्रोटीन की ही ब्रेक डाउन होगी, लेकिन जो रेनिन है वो इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है। इन्फेंट्स में जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जब बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसमें रेनिन की जगह जो है वो पेप्सिन ही प्रेजेंट होता है। और जो लाइपेज है ये करेगा फैट्स की ब्रेक डाउन। तो जो हमारा स्टमक है उसमें प्रोटीन की डाइजेशन होगी, थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होगी और थोड़ी सी फैट की भी होगी। फैट में बिल्कुल नेग्लिजिबल, दैट इज 3%, 3% जो है वो फैट की डाइजेशन होगी और 97% जो है वो किसकी डाइजेशन होगी, हमारे प्रोटीन्स की। ओके, तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक एंजाइम। तो आगे है एचसीएल। तो एचसीएल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। ये क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में इन्वेड हो गए हैं, उनको वो क्या कर देगा, किल कर देगा। और पेप्सिन को अगर एचसीएल प्रेजेंट नहीं होगा तो जो पेप्सिन है वो एक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कर देता है ताकि जो पेप्सिन है वो एक्ट कर पाए। तो ये था हमारे एचसीएल का। और म्यूकस, तो आप लोगों को पता है म्यूकस जो है वो लुब्रिकेट करता है हमारे फूड को, जो भी फूड आ रहा है, ठीक है। अब फूड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में जो है वो एंटर करता है हमारे स्टमक, जिसको बोलते हैं बोलस, BOLUS। तो उस फूड को वो बहुत ब्रीफ में है, तो आप यही याद रखिए कि जो फूड है उसको वो क्या करेगा, म्यूकस जो है वो लुब्रिकेट कर देगा ताकि जो फूड है वो इजिली पास हो जाए इनटू नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्टमक। स्टमक क्या क्या है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है विच इज एचसीएल, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक एंजाइम। तो जो गैस्ट्रिक एंजाइम है वो है हमारे पेप्सिन रेनिन लाइपेज। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, रेनिन जो है वो भी प्रोटीन की करेगा लेकिन वो इन्फेंट में प्रेजेंट है, और लाइपेज जो है वो फैट की डाइजेशन करेगा लेकिन जो फैट की डाइजेशन है वो बहुत कम प्रेजेंट होती है। जो स्टमक में कैरी आउट होती है दैट इज ओनली अप टू 3%, 97% जो है वो डाइजेशन हो रही है वो हो रही है हमारी सिर्फ किसकी, हमारे प्रोटीन्स की। ओके, उसके बाद अब यहां से क्या हुआ कि स्टमक से हमारा जो फूड है वो एंटर कर जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फूड जो है वो स्टमक तक पहुंच गया, उसके बाद आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां आप देख सकते हैं कि वाइल जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो प्रेजेंट है, हमारा पैनक्रियाज है वो भी प्रेजेंट है। तो वाइल जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो एक वाइल जूस जो है वो सेक्रेट करता है। तो यहाँ जब फूड जाएगा तो वो दो जूसेस के साथ जो है वो मिक्स हो जाएगा, दैट इज बाइल जूस, और जो बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर सेक्रेट कर रहा है, और जो हमारा पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेगा ट्रिप्सिन पेप्सिन, ठीक है। तो इसमें ये जो दोनों जो हमारी ग्लैंड्स हैं ये क्या करेंगी, सेक्रेट करेंगी, इसमें फूड जो है वो इन दोनों के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो चला जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बात जो है वो याद रखिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन है एक लार्ज इंटेस्टाइन है। अब आपसे पूछ लें कि सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कौन सा है, तो नॉर्मली बोलेंगे कि जो लार्ज है वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल। इसमें जो है वो तीन पार्ट जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम, ठीक है। तो जो ड्यूडेनम है इट इज अ लॉन्गेस्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम, ठीक है।
तो जो ड्यूडेनम है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉल पार्ट है, यू शेप्ड है क्योंकि इसकी क्या हुई है क्वाइलिंग हो गई है यू शेप्ड, ठीक है। तो इसमें इट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसमें जो है वो कुछ सेक्रीशंस भी होती है कॉमन डक्ट से पहले बताया कि इसमें क्या होगा कुछ डक्ट्स होंगी साथ में जो वाइल्ड डक्ट है हमारी है जो पैनक्रियाटिक जूस है वो भी मिक्स हो जाएंगे तो वो किस पार्ट में होंगे हमारे ड्यूडनम पार्ट में, ठीक है वाइल्ड जूस और पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट है हमारा जिजनम, तो जिजनम जो है इट इज 2 to 3 meter लॉन्ग, ये जो है वो ड्यूडनम सबसे छोटा पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जिजनम और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, फिंगर की तरह प्रोजेक्शन प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड विलाई, और जो विलाय है उनका मेन फंक्शन क्या है कि इंक्रीजेस द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए उसको सेक्रेट करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज इलियम, तो इलियम क्या करता है हमारा जो इलियम है ये 4 meter long है और इसमें भी फिंगर की तरह जो है वो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लब शेप, क्लब शेप मींस जैसे मशरूम होता है उसकी तरह जो है वो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो जिजनम है इसमें जो प्रोजेक्शंस है वो फिंगर की तरह है और जो इलियम है उसकी क्लब की तरह है, जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होगी वो होगी इलियम में क्योंकि उसका साइज जो है वो मशरूम का बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें फिंगर की तरह होगा तो उसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होगी, लेकिन जो दोनों का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी इट विल एंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट विल एंड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इट इज 1.5 meter long, इट इज 1.5 meter long एंड इट हैज 3 parts, सीकम कोलोन एंड रेक्टम, सीकम कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। सीकम जो है वो पहला पार्ट है, दूसरा कोलोन है, थर्ड वन इज रेक्टम, ये 3 पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के हैं, इट इज 1.5 meter long। तो इसका जो मेन फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का जो मैक्सिमम डाइजेशन होती है फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो गई तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल रह गया, तो इसका रोल क्या है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ये खाने को एब्जॉर्ब करने में जो है वो हेल्प करेगा, क्या होगा कि फूड डाइजेस्ट हो गया लेकिन कुछ उसमें वॉटरी जो मटेरियल है वो भी रह जाएगा, तो जो भी वॉटरी मटेरियल जो है वो फूड में प्रेजेंट है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सारे जो वॉटरी मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और थोड़ा बहुत जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है उस फूड में, ठीक है। अब सारा जो हम खाते हैं वो तो डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है तो उसको वो रेक्टम से जो है वो बाहर निकाल देगा, डाइजेशन कर देगा उसकी, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और कुछ जो पार्ट है उसकी हमारे जो बॉडी है हमारी उसमें डाइजेशन हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट डाइजेशन, ठीक है। जो हमारी डाइजेशन थी एक बार रिव्यू कर लेते हैं, जो डाइजेशन थी हमारी माउथ से प्रेजेंट हुई थी, जो ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। माउथ एक बकल कैविटी में ओपन होता है, जो उसका लास्ट रीजन है वो है फेरिंग, फेरिंग से खाना गया ओसोफेगस में गया स्टमक में, क्या है गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है, एक्सियल प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है, डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है। उसके बाद ये वाइल्ड डक्ट या पैनक्रियाज लिवर की सेक्रेशन को अपने अंदर ले लेगा और एंड इट विल एंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगी, मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो खाने की हो जाएगी। उसके बाद जो है वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाएगा थ्रू एनस और थ्रू रेक्टम, ओके। तो ये थी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो आप इसको जो है वो रिवाइज कर लेना है, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।